Winners Kitchen. आज हम बनाने वाले हैं आटा केक. ये गेहूं के आटे का केक है. इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, बिल्कुल भी बटर नहीं है. ये बच्चों के लिए एकदम हेल्दी केक है. हम लोग इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं वो हमारे किचन में हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, यानी हमें ये इजीली अवेलेबल है ये सारे इंग्रेडिएंट्स. तो चलो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग आटा केक बनाना. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो मेरी अपकमिंग रेसिपीज आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाएगी. थैंक यू. आटा केक बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं: गेहूं का आटा, इसे मैदे की छन्नी से छानना है, गुड़, मिल्क और दही, किशमिश, काजू, शुगर पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडा बाइकार्बोनेट, ऑयल और वेनिला एसेंस. सबसे पहले हम लोग ये गुड़ में दही डालेंगे और इसको मिक्स करके एक घंटे के लिए हम लोग इसे रखेंगे. यह हमने गुड़ में दही डालकर रखा था. इसे कम से कम इसे एक घंटे के लिए हमने मेल्ट होने के लिए रखा था. अब ये बराबर मिक्स हो गया है. अब हम लोग केक बनाएंगे. तो हमने लिया है आटा, उसमें हम लोग डालेंगे बेकिंग पाउडर, सोडा, किशमिश और शुगर पाउडर. पहले ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. फिर इसमें ऑयल डालेंगे. अब धीरे धीरे इसे और फिर मिल्क दोनों साइमल्टेनियसली डालेंगे. बहुत सारे बच्चे दही पसंद नहीं करते, मगर इसमें उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि दही डाला है. लास्ट में इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे. अब ये बैटर को हम लोग केक के टिन में डालेंगे. इसे ये टिन को मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया, फिर गेहूं के आटे से इसकी डस्टिंग कर ली है. आटा केक गैस पे
बनाएंगे। हमने उसके लिए एल्युमिनियम का पतीला लिया है, उसपे ये स्टैंड रखेंगे जिसके ऊपर हम लोग केक का कंटेनर रखेंगे। पहले हम लोग मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट रखेंगे, फिर फ्लेम स्लो कर देंगे और 45 मिनट के लिए हम लोग इसे बेक करेंगे। हम लोग केक कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो उसकी रिंग निकाल देना और उसको सीटी भी नहीं लगाना और उसमें स्टैंड रख के एल्युमिनियम का कंटेनर रख देना। रेडी है यमी टेस्टी एंड हेल्दी आटा केक।